नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। सीधा रुख करते हैं मऊ का, जहां पर घोसी के रण में अखिलेश यादव हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनते हैं। विधानसभा के मतदाताओं ने मन बना लिया है, जो पलायन करने वाले हैं, जिन्होंने पलायन किया है और लोकतंत्र में जो वोट का विश्वास तोड़ा है, इस बार घोसी विधानसभा की जनता उन्हें सबक सिखाने जा रही है। इस विधानसभा की कोई अब सुध लेगा, इस विधानसभा की सुध लेने वाला अगर कोई है तो वो सुधाकर सिंह जी। ये आम लोगों के प्रत्याशी हैं, आपके प्रत्याशी हैं, आपके बीच के हैं। ये चट्टी चौराहे पर जहां चाहो वहां रोक लो, ऐसे नेता हैं, आपके बीच के हैं, जिन्होंने मतदाताओं को धोखा दिया था, उनको सबक सिखाने के लिए ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि सुधाकर सिंह इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। मैं कई दिनों से लगातार घोसी विधानसभा में प्रचार जो हो रहा है उसको देख रहा हूं। कोई नेता बीजेपी का जो मंत्री है, शायद कभी मंत्री बचे होंगे जिन्होंने घोसी में आने का काम नहीं किया हो। घोसी में मंत्री, एक मंत्री, दो मंत्री, तीन, न जाने कितने मंत्री आए हैं, और यहां पर जितने लोग खड़े हैं वो जानते होंगे कि एक मंत्री एक किसान के हाथ को पकड़ करके खेतों में घूम रहे थे। मंत्री जी ने पूछा कि यहां पर कौन जीतने वाला है, पहले तो ज्यादा वोटों से इस बार जिताओगे, पहले हजारों से जीते थे, इस बार उससे ज्यादा जीतेंगे। जो मंत्री किसान का हाथ पकड़े जा रहे थे, उन्हें लगा कि किसान उनके धोखे में आ जाएगा, उनके जुमलों में फंस जाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उस पत्रकार को, मंत्री जी के जाने के बाद, जिन्होंने हाथ पकड़ करके अपने खेतों में घुमाया था। जब पत्रकार साथी ने पूछा कि कौन जीतेगा यहां से, वो गरीब किसान गांव में रहने वाला हमारा, उसने कहा कि सुधाकर यहां से हजारों वोटों से जीत करके जाने वाले हैं। ये मंत्री अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे। जिस मंत्री ने किसान का हाथ पकड़ा था, तमाम मंत्री आ रहे हैं धोखा देने, अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे यहां आकर के। वो किसान जो अपनी पैदावार की चिंता में डूबा है, उसकी फसल की कीमत कैसे मिले, ये मंत्री जो घूम रहे सरकार के, वो ये नहीं बता पाए कि डीजल सस्ता मिलना चाहिए किसान को, खाद कीटनाशक दवाई, और जब हमारे किसान की पैदावार तैयार हो जाए तो ये बीजेपी के लोग बताना भूल गए कि लाल किले से लेकर के मंचों तक कहा था कि हमारे किसान की
पैदावार जो होगी उसकी आय हम दोगुनी कर देंगे। यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं या किसान, बताओ ये डबल इंजन की सरकार वालों ने किसी किसान की आय दोगुनी की हो तो बताइए। ये लोग कह रहे डबल इंजन, डबल इंजन से कुछ नहीं होता, इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का, जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। ये लोग जो दूर दूर से घोसी में चल करके आए हैं, उनकी भाषा आपने सुनी होगी विरोधियों की, विरोधी न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। जो विरोधियों की भाषा बदली है वो इसीलिए बदली है कि यहाँ का किसान, यहाँ का गरीब, यहाँ का नौजवान सब जाति धर्म तोड़ करके साइकिल के साथ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब तो हिसाब किताब केवल हिसाब किताब इस बात का नहीं है, हिसाब किताब तो बीजेपी को दिल्ली की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 6 साल की सरकार का देना है। बताओ घोसी की जनता इन 16 सालों में क्या आपको कोई सुविधा दे पाई है बीजेपी के? नहीं दे पाई है। अगर बीजेपी के लोगों ने सुविधाएं दी होती तो आज इतनी मंत्रियों की फौज उन्हें नहीं उतारनी पड़ती यहां पर। इतने जो मंत्री आए हैं वो अपना काम नहीं बता रहे, वो कुछ और इंतजाम में लगे हुए हैं, अकेले में जाकर के कुछ और इंतजाम कर रहे हैं। बताओ इंतजाम को जो इंतजाम कर रहे हैं कहीं उसके धोखे में तो नहीं आ जाओगे आप लोग? चुनाव से पहले ये जनता में जब हार गए हैं तो प्रशासन को आगे कर देंगे। ये प्रशासन के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है घोसी की बहादुर जनता है, ये प्रशासन से तो नहीं घबरा जाएगी। अगर आपको मुकाबला भी करना पड़े तो अपने वोट के अधिकार के लिए मुकाबला करना, क्योंकि घोसी विधानसभा का संदेश केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, घोसी विधानसभा के एक एक वोट का संदेश देश में जाने वाला है, क्योंकि देश में कहीं और चुनाव ऐसा नहीं होने जा रहा है। कम से कम ये संदेश घोसी की जनता दे कि जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे अपने वोट दे करके। वैसे तो पलायन लोग करते अपने काम रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन ये तो पहले विधायक दिखाई दे रहे हैं जो अपने स्वार्थ में पलायन कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए पलायन कर रहे हैं। क्या ये जनता को सुविधा देने के लिए पलायन कर रहे हैं कि अपने लिए पलायन कर रहे हैं? ये अपने लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जो अपना स्वार्थ देख रहे हैं
वो आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। अगर इन्होंने जीवन में बदलाव लाते आपके, तो कहीं न कहीं आपको सुविधाएं देते। ये सरकार ऐसी है जहां गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां नहीं, अस्पताल में चले जाओ तो डॉक्टर देखने वाले नहीं है, जो कुछ है गरीब को अपने हाल पे छोड़ दिया। जो एम्बुलेंस चली थी आपकी सरकार में, उस एम्बुलेंस को भी बर्बाद कर दिया। कम से कम इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर गरीब के गांव में पहुंचा के मदद करने के लिए अगर एम्बुलेंस थी, तो कम से कम ज्यादा एम्बुलेंस चलाते, जिससे गरीब की मदद हो जाती। इलाज और तकलीफ और परेशानी में वो आपकी मदद करती, लेकिन उस व्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया। ये जो बिजली भी आ रही है आपके बीच में, केवल चुनाव के लिए आ रही है, और जो बिजली आ भी रही है, जिनके यहां मीटर लग गए, बताओ कितने का बिल आ रहा है आपके यहां पर? बिल आ रहा हजारों का, और अगर बिल नहीं दे पा रहे हो तो नोटिस आ रहा है साथ साथ। नोटिस और महंगाई कहां पहुंच गई है? जो कभी फ्री दिया था सिलेंडर, बताओ आज उस सिलेंडर की कीमत क्या है? कीमत कहां पहुंच गई? जो आप सामान बाजार से खरीद रहे हैं, बताओ हर सामान महंगा हो गया कि नहीं महंगा है? ये बीजेपी के लोग गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं, और जो सुविधाएं गरीबों को मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को छीनने का काम कर रहे हैं। क्या घोसी की विधानसभा इतिहास बनाने जा रही कि नहीं जा रही, बताओ आप? ऐसा चुनाव शायद ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिला होगा, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जाति धर्म से लेकर के सब सीमाएं टूट गईं। अगर जाति धर्म की सीमाएं टूटी हैं, तो दलों के भी सब बंधन टूट गए। जो दल कभी हम लोगों के खिलाफ थे, आज सब दल समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। हम उन दलों को बधाई देते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के समाजवादियों का साथ दे रहे हैं। कि ये महत्वपूर्ण लड़ाई है, कोई छोटी बड़ी लड़ाई नहीं है, ये बड़ा फैसला होगा आपका। और ये ऐसा फैसला है जो देश की राजनीति में भी बदलाव लाएगा। जब से समाजवादी और देश के दल एक हो गए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, लोग घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे बन गया। न केवल गठबंधन से घबराए हुए हैं, बल्कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम सबका साथ सबका विकास नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग सबका साथ की बात कर रहे हैं, वो सबके बीच में गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते। और जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम समाज में बराबरी कैसे लाएंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, और जो संघर्ष का रास्ता दिखाया नेताजी ने, चल करके हम लोग उस प्रदेश और देश में बदलाव लाना चाहते हैं। जो लोग समझदार होंगे, जो अखबार पढ़ते हैं, वो जानते होंगे कि बीजेपी की सरकार लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है।
जो संस्थाएं संवैधानिक हैं, जिन संस्थाओं से हमें न्याय की उम्मीद है, उन संस्थाओं को भी ये हस्तक्षेप कर करके बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए ये घोसी का चुनाव जहां केवल एक विधानसभा का है, लेकिन ये संदेश पूरे देश में देने जा रहा है, पूरे देश को संदेश देगा। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। अगर जनता ने मन बना लिया तो जनता के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जहां ये संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वहीं जहां पर नौकरी और रोजगार का इंतजाम हो जाना चाहिए, उन नौकरी रोजगार को भी नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आपने नहीं सुना था, प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में कह रहे थे कि हमने 100 में सबको नौकरी दे दी, केवल 4 रोजगार हैं। बताओ कोई बीजेपी के इन आंकड़ों पे भरोसा कर लेगा कि जहां ये कहते हो कि हमने सबको नौकरी रोजगार दे दिए, 100 में केवल 4 रोजगार बचे हैं, ये इनके आंकड़े कहते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि 15 साल से ऊपर वाले नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके रोजगार नौकरी का इंतजाम हो जाए, तो सरकार न जाने किस तरह की बात करती है। फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1985 से 86 के बाद उत्तर प्रदेश ने विकास के मामले में अंधकार का एक लंबा दौर देखा। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा बहुत अलग हो गई। यहाँ के युवाओं, व्यापारियों और नागरिकों के सामने पहचान का संकट था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अंधकार से निकलकर बीमारू राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है, एक विकसित राज्य की ओर। उत्तर प्रदेश ने 1985-86 से लेकर के बीच के कालखंड में, जिसे घोर अंधकार का युग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, जिसने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था, उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बहुत भिन्न हो गई थी। यहां के युवाओं के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश अपनी इन सभी अंधकार के युग से उभर करके, बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो चुका है। पीलीभीत लोकसभा से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गांधी परिवार के विरोधियों पर तंज कसा। उन्होंने यहां अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में कहा कि मीठी मीठी बातों में वोट देने की जरूरत नहीं है, वोट काफी सोच समझ कर दें, भीड़ चाल जैसा काम ना करें, खुद का दिमाग लगाएं। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, मैं चाहता हूं ये जमीन हम उनके लिए सींच के जाएं। मैं चाहता हूं कि महाराज जी ले लीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कोई जरूरी हो, क्यों मत सुनो, इधर अंदर आगे आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो, कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे फिर हमारा क्या होगा। समय की गति को समझा करो महाराज जी, मुझे लगता है समय अच्छा आ रहा है। कोटा में छात्र की आत्महत्या के बाद सियासत जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सिर्फ छात्र की मौत ही नहीं, कांग्रेस राज्य में इतने अपराध हुए हैं कि कोई जांच नहीं होती, राजस्थान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। क्या साहब, इस कांग्रेस के शासन के दौरान आप थानागाजी की घटना से, गैंगरेप की घटना से लेवा,
मैं आपको हजार से ज्यादा घटनाएं बता दूंगा, स्टूडेंट हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, कितनी घिनौनी हत्याएं होगी है। कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल। 23 अगस्त को रांची के कोकर इलाके में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से एक लोडेड पिस्तौल, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने लूट की घटना को कबूल किया है। खबर रांची से, जहां पर आरोपियों के कब्जे से पिस्तौल और बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है। पूछताछ में आरोपी अपने लूट की घटना को कबूल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से एक लोडेड पिस्तौल, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में लगातार हाथियों का झुंड काफी उत्पात मचाता नजर आ रहा है। इचाक प्रखंड में हाथी का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जंगली हाथियों का झुंड करीब 12 से 13 की संख्या में टाटी झरिया प्रखंड के जंगल के रास्ते इचाक प्रखंड में पहुंच गया, जहां कई एकड़ फसलों को रौंदते हुए कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही घरों में रखे अनाज चट कर गए। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसके बारे में जानकारी दी। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथियों के रूट को बदलने की कोशिश की है। वहीं स्थानीय लोगों से हाथियों के सामने न जाने की माइक के माध्यम से अपील की जा रही है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने विभाग से मुआवजे की मांग की है। इसी खबर पर अभिजीत दुबे झारखंड से स्टेट हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाथियों के द्वारा ये जो आतंक मचाया गया है, प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारियां फिलहाल झारखंड में देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा जो भी तैयारी यहाँ पहले से की गई है, पहले से भी कई बार ऐसा घटना हुआ है झारखंड में, और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा हर बार ये कभी कभी झुंड में हाथियां रोड पार करके अपने दूसरे जंगल से दूसरे जंगल में जाती हैं, लेकिन वन विभाग द्वारा बार बार अपील किया जा रहा है कि यहाँ के जो भी ग्रामीण लोग हैं वो किसी प्रकार का यहाँ पे कोई कार्यक्रम झुंड झांड या किसी हाथी को छेड़छाड़, किसी पशु को छेड़छाड़ न करें। वहीं अभिजीत, आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ नुकसान देखने को मिला है, वहीं लोगों के द्वारा क्या कुछ मांग की जा रही है, वहीं वन विभाग के द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया गया है? अभी हाथियों के झुंड द्वारा जो भी नुकसान की गई, कई एकड़ की फसल उसमें नुकसान हुआ है, कई घरों को गरीब घरों गिरा दिया गया। इसमें गांव में जब अधिकारी पहुंचे स्थिति को देखने के लिए, तो ग्रामीणों ने का कहना है कि हमारी जो भी घर और हमारे जो भी फसल नुकसान हुए हैं उसकी सरकार भरपाई करे, वन विभाग द्वारा भरपाई की जाए, नहीं तो हम लोग आवरण अवसर पर बैठेंगे। वहीं वन विभाग की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है अभिजीत? फिलहाल वन विभाग पूरी अपनी तैयारी कर चुका है, जंगल के दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ काफी घेरे में लगा दिया गया है कि ताकि हाथियां फिर झुंड में इधर ना आए। वहाँ कई फोर्ट भी लगाए गए, वन विभाग के अधिकारी भी इस समय वहाँ मौजूद है और इसमें पूरा सतर्कता बढ़ता जा रहा है। साथ ही ये जो घटना निकल कर सामने आई अभिजीत, पूरी घटना क्या कुछ थी, किस हिसाब से, मतलब लगातार आप बता रहे हैं किस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं, तो क्यों नहीं फिलहाल प्रशासन की ओर से कुछ ऐसी तैयारी की जाती है कि गांवों में आने से इन जंगली हाथियों को रोका जा सके? झारखंड के कुछ जिले में जंगल स्थित जंगल है जहां जो हाथियां वहां पे हाथी रहती हैं, झुंड में हाथियां कभी कभी निकलती है रात में इस जंगल से उस जंगल रूट पार करती है, तो उस समय क्या होता है कि जो भी वन विभाग के अधिकारी होते हैं वो रोड इस पर खड़ा होकर हाथियों को झुंड को पार करते हैं। लेकिन जिस वक्त ये घटना घटी उस समय रात की घटना थी, जो भी झुंड में हाथी निकली नुकसान करती चली गई। सुबह गांव वालों में हड़कंप मचा, गांव वालों ने अपनी पूरी चीज नुकसान देखा, फिर वन विभाग के अधिकारियों को फोन किया गया। वन विभाग अधिकारी जब आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसकी भरपाई अब सरकार द्वारा कराई जाएगी। साथ ही यहां पर स्थानीय लोगों द्वारा मुआवजे की भी मांग की जा रही है, तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ अभी फिलहाल आश्वासन दिया गया स्थानीय नागरिकों को? जो जिले के DFO है, जो वन विभाग के अधिकारी है, उन्होंने गाँव में जाके डीसी को उन्होंने बोला है कि मैं वहाँ के जो भी जिला मजिस्ट्रेट है उनको मैं पत्र लिखूंगा और पत्र लिख के जो भी आपका नुकसान होगा सरकार तक पहुंचाई जाएगी और इसको देने का हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। हाथियों ने कई एकड़ की फसल को रौंद दिया है।
आप ये तस्वीरें देख सकते हैं एक्सक्लूसिव, जहां पर हाथियों ने कई एकड़ की फसल को रौंद दिया। लगातार जंगली हाथियों का आतंक जारी है। राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए कई उपस्वास्थ्य केंद्र खोल रही है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी और अधिकारियों की लापरवाही से बंद पड़े चिकित्सा केंद्र ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र जालमपुरा में 2 नर्सिंग स्टाफ होने के बावजूद स्वास्थ्य केंद्र पर ताले लटके हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा ना, इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।